Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. Students, we are learning chapter number 8, perimeter and area and volume. In previous class, we have completed question number 1, 2, 3 of exercise 8.2. In this class, we will continue our exercise 8.2. So let's start from question number 4. Question number 4 is, find the sides of square with the given area. आपको क्या करना है? Side of square निकालना है, area given है. बेटा सबसे पहली बार एक चीज नोटिस करने की है कि हमें एक चीज देखो, मैं आपको सिंपल सा हिंट देती हूँ. हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है. साइड को हम एस में लिख सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड. यानी जो नंबर साइड का दिया हुआ है, सपोज 4 सेंटीमीटर है, 5 है, वही नंबर दोबारा रिपीट होता है, यानी उसी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई होती है. 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36. तो अब आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है? एरिया गिवन है, तो आपको ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा एरिया 64 आ जाए. देखा जाए तो 64, हम अगर 8 × 8 8 × 8 = 64, बहुत सिंपल है निकालना, लेकिन सब क्वेश्चंस में निकालना ये पॉसिबल नहीं है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो थर्ड चैप्टर सीखा था फैक्टराइज मल्टीपल्स में, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, हमें वही प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना है. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. पहले आप क्या करेंगे, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ओके, अब इसको ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से दिया डिवाइड किया तो 32 आएगा, अगेन 2 से 16, अगेन 2 से 8, अगेन 2 से 4, फिर 2 से जाएगा 2 और अगेन 2 से जाएगा तो 1. अब आप एक चीज क्या काम करेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सेम नंबर्स के पेयर बनाने हैं, 2-2 पेयर्स. देखो 1, 2, 3, ये सेम नंबर्स के पेयर है, 2 डिजिट्स ले रहे हैं. तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 क्या 64 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं? 8 टाइम्स पे 2 मल्टीप्लाई में लिखना है. तो अब इनमें से एक एक पेयर लेना है, है ना, एक एक पेयर बन गया. अब हमें सिंगल डिजिट पिक करनी है, यहां से 2 लिया, एक 2 लिया, दूसरा 2 लिया. अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यानी साइड क्या आई, 8 सेंटीमीटर. और मैंने आपको बताया था कि 8 × 8 = 64 होता है. तो एरिया आपको ये गिवन है, तो आप क्या करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर क्या निकालेंगे, 8 मीटर. मीटर यूनिट गिवन है तो मीटर लिखेंगे, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर पेयर्स बनाने सेम नंबर्स के. लकीली हमारे साथ यहाँ पे क्या है, सभी सेम नंबर्स के बन रहे हैं, तो हमने 2-2 के पेयर्स बना लिए और फिर उनमें से एक एक पिक कर लिया और उसकी मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया 8. यानी किसका है, साइड क्या निकलेगी उसकी, 8 मीटर. आप खुद देखो, अगर 8 मीटर साइड होती तो क्या होता, 8 × 8 = 64, तो हमारा आंसर करेक्ट है. अब बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं बच्चों. स्टूडेंट्स, जो बी पार्ट है हमारा उसमें डेसिमल में गिवन है, तो हमने जो प्रीवियस चैप्टर डेसिमल सीखा है हमें वहां के रूल कुछ फॉलो करेंगे. हम इसका डेसिमल अगर हम रिमूव करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो आप देखो इसका अगर मुझे डेसिमल रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1, 2 डिजिट्स है. मैंने क्या रूल सिखाया था, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो अपॉन में 1 के साथ क्या लग जाते हैं, उतने ही जीरोस लग जाते हैं, क्लियर. अब क्या बना ये, अब सेम प्रोसेस करना है. हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक है 4356, एक है 100. 100 का आप सिंपली बता सकते हो कि 10 × 10 100 होता है ना. तो अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, किसका, 4356 का. तो हम यहाँ पे करते हैं 4356 को, 2 से ये नंबर जा रहा है अच्छे से, डिविजिबल है, डिवाइड किया 2, 2 × 1 = 2, 1 रिमाइंडर, 5 नोट डाउन करेंगे, 2 × 7 = 14 और ये 8. अगेन ये 2 से जा रहा है हमारा 1, उसके बाद ये नहीं जाएगा, 0 लगेगा, 7 उतरेगा
है ना, 1 और 7, तो 2 8s are 16 और ये 9, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, 2 1s are 2, 1 डिवाइड नहीं होगा, 0 लगेगा, तो हम 7 नोट डाउन कर सकते हैं, तो 17 बन जाएगा, 2 8s are 16, 1 रिमाइंडर रहेगा और 2 9s are 18। अब हमारा ये नंबर किससे जा सकता है, देखो हम ट्राई करते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा, हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है 3 का, 3 से देखते हैं, 1 plus 8 9 9 9 18, तो ये नंबर किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का यूज करेंगे, 3 3s are 9, 1 रिमाइंडर, 3 6s are 18 और 3 3s are 9। क्या नंबर अभी भी 3 से जा रहा है, यस, 3 plus 6 9 9 plus 3 12, 3 से गया ये 1 2 1। इसके बाद ये नंबर किससे जाएगा, प्राइम फैक्टर्स यूज करने, ना ये नंबर 5 से जाएगा, पीछे 5 नहीं है, 0 नहीं है, 7 से भी ये नंबर पूरा नहीं जाएगा, उसके बाद 11 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 11 1s are 11, 1 रिमाइंडर, 11 1s are 11, तो 2 टाइम्स पे ये गया। अब मैंने आपको क्या चीज बताई, आपको क्या करना है, इसके पेयर्स बनाने हैं, कंप्लीट पेयर्स बन चाहिए, 2 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो अगर हम नोट करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो 4 3 5 6 का क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 11 multiply 11, पेयर बन रहा है 2 का 3 का 11 का, तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी साइड के लिए ऊपर का क्या नंबर आ गया, एक बार लिखेंगे 2, एक बार लिखेंगे 3, एक बार लिखेंगे 11। सॉल्व करते हैं, 2 3s are 6 6 11 66, और अगर 10 का करेंगे तो 10 हमारे पास क्या आएगा, देखो 10 का अगर हम करके देखते हैं, सॉरी 100 का करके देखते हैं, 100 को करके देखेंगे तो उसका आंसर पता है 10 आएगा, 10 into 10 100 होता है, सेम नंबर है, लेकिन प्राइम फैक्टर से भी एक बार चेक करते हैं, 2 से जा रहा है 50, अगेन 2 से जा रहा है 25, अगेन 5 से जाएगा, फिर अगेन जाएगा 5 से, पेयर बनाएंगे तो 1 1 डिजिट पिक करेंगे, 2 and 5 10, जो मैंने आपको पहले बताया था, देखो क्या आया, 66 तो इसका आया और अपॉन में 10 है ना, अब ये इसका स्क्वायर रूट निकाला है हमने ये इस तरीके से, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6.6, तो हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आई, साइड ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि अब आप खुद देख सकते हो 6.6 की, आपको मैं चेक करके भी बताती हूँ, देखो अगर हम 6.6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यही आंसर आएगा जो वो गिवन है, 6 6s are 36, 6 नोट डाउन होगा, 3 कैरी, अगेन 6 6s are 36 और 3 9, 1s place 0 पुट करेंगे, यही सेम डिजिट्स आएंगी हमारे पास, सॉरी 9 3, सॉल्व करते हैं, 6 9 और 6 15, 1 कैरी, 3 plus 1 4, 4 plus 9 13, 1 कैरी और 3 plus 1 4, यही आंसर आया, और हमने डेसिमल का रूल क्या सीखा था, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 1 1 and 1 2 1 2, 2 डिजिट स्किप करके लगाएंगे, सेम आंसर आ रहा है, तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमें एक ऐसी साइड निकालनी है जिसकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गिवन एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होगा, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका सिमिलरली इसी तरीके से सी और डी पार्ट कर पाएंगे, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज, थैंक यू।